हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एआई से हॉरर स्टोरी वीडियो को बनाना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको हॉरर स्टोरी वीडियो बनाना सिखाया था, बट एआई का मैंने उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको एआई से हॉरर स्टोरी वीडियो को बनाना सिखाऊंगा। और आप भी जानते हो, अगर आप एआई से स्टोरी वीडियो बनाते हो तो आपके लिए काफी आसान भी होता है और आपकी वीडियो क्वालिटी भी काफी इन्हेंस कर जाती है। और अभी एआई का काफी ज्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो एआई से हॉरर स्टोरी वीडियो कैसे बनाए उस पर भी होनी चाहिए। और मेरी पिछली वीडियो में भी बहुत से लोगों ने कॉमेंट में भी बोला था भाई एआई से हॉरर स्टोरी वीडियो बनाना सिखाओ, तो आप लोगों के डिमांड पे आ चुकी है ये वीडियो। तो आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से एआई से हॉरर स्टोरी वीडियो को बनाना सिखाऊंगा। और बड़ी बात ये है कि आपको इसके लिए किसी लैपटॉप की भी जरूरत नहीं, आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी बना सकते हो। तो हॉरर स्टोरी वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट चाहिए। तो स्क्रिप्ट के लिए आपको अपने चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट को लिख देना है। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरी के लिए सारी स्क्रिप्ट जनरेट हो रही है। तो अब मेरे पास हॉरर स्टोरी के लिए स्क्रिप्ट आ चुकी है। तो अब मैं इस स्टोरी के लिए सीन बाय सीन इमेज के प्रॉम्प्ट को भी जनरेट कर लेता हूँ और ये प्रॉम्प्ट भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सीन बाय सीन इमेज का प्रॉम्प्ट भी आ चुका है। तो अब मेरे पास स्टोरी के लिए स्क्रिप्ट और इमेज को जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट भी आ चुका है। आपको फिर से गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है leonardo.ai और इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट एन अकाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आई एम वाइट लिस्टेड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से या अपने जीमेल से यहाँ पे साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप कर लेते हो आपके सामने भी इसी तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एआई इमेज जनरेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो के लिए 16:9 की रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3D एनिमेशन स्टाइल इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब बस यहाँ पे आपको इमेज के प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और यहाँ से इमेज को जनरेट करना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि इमेज जनरेट हो रही है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इमेज आपको अच्छी लगती हो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से आपको फिर से चैट जीपीटी पे आने के बाद आगे के प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर देना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो इमेज जनरेट हो रही है, तो अब आपको यहाँ पे जो भी इमेज अच्छी लगती हो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से जल्दी जल्दी मैं सारी इमेज को यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। तो अगर आपके हिसाब से यहाँ पे इमेज जनरेट नहीं हो रही है तो फिर से आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर सकते हो। तो अब मैंने प्रॉम्प्ट से सारी इमेज को जनरेट कर लिया है। तो अब मुझे इस इमेज से वीडियो को जनरेट करना है। तो उसके लिए आपको फिर से गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पीका लैब्स और यहाँ पे आपको सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको पीका लैब्स इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ज्वाइन बीटा पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने डिस्कॉर्ड में अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आपको अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप कर लेना है, नहीं तो आप वीडियो को बनाने के लिए रनवे ईमेल का भी यूज कर सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप रनवे ईमेल से भी यहाँ पे वीडियो को जनरेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप कर लेते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और अब यहाँ पे आपको जनरेट 1, जनरेट 2, जनरेट 3 देख सकते हो, यहाँ पे किसी भी एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जनरेट 5 पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना है /create और प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हॉरर स्टोरी टाइप कर देना है। और यहाँ पे साइड में देख सकते हो +1 पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इमेज को ले लेना है और इंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जनरेट हो रही है इमेज। इसी तरह से आपको फिर से यहाँ पे टाइप करना है /create और प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस बॉक्स में हॉरर स्टोरी लिख देना है और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इमेज को ले लेना है और इंटर पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सारी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है। फिर से यहाँ पे मैं /create पे क्लिक करता हूँ और प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में मैं हॉरर स्टोरी लिख देता हूँ और प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से इमेज को ले लेना है, इंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज जनरेट हो रही है। तो जो भी इमेज आपकी यहाँ पे जनरेट होगी वो हाईलाइट में यहाँ पे आपको दिखा देगा और यहाँ पे क्लिक करके आपको इमेज को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे सारी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैंने सारी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपको फ्री एआई वॉइस के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और इस वेबसाइट की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे साइन अप भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको फिर से चैट जीपीटी पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरी की स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर आप लोग इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपको हिंदी वाली सारी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस स्क्रिप्ट में जो भी गैप है आपको इसको डिलीट कर देना है। और लैंग्वेज भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, हिंदी, उर्दू, हर तरह की लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल
मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मेल फीमेल जिसकी भी वॉइस चाहिए उसको आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फीमेल की वॉइस को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वॉइस की स्पीड को भी बढ़ा सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप पिच को भी चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो अब आपको मैं थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ। रात अंधेरी और भयानक थी, एक चांदनी शून्यता जिसने अपने स्याह आलिंगन में सब कुछ निगल लिया था। तो देख सकते हो काफी अच्छी है। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। तो अब मेरे पास वीडियो को बनाने के लिए सारा मटेरियल आ चुका है, तो अब मुझे वीडियो को एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एडिट करने के लिए काइनमास्टर का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे किसी और ऐप का भी यूज कर सकते हो। तो मैं काइनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और यूट्यूब की वीडियो के लिए 16:9 के रेशियो को सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक वीडियो को ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वीडियो आ चुकी है। तो अब आपको इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसके स्पीड को कम कर देना है। आपको अपने स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा करना है, ठीक है। और बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर मार्क है। तो अब आपको इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैन एंड जूम पे क्लिक करना है और इस तरह से जूम कर देना है, लॉक कर देना है और बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है और अभी जो मैंने वॉइस को जेनरेट किया था यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉइस आ चुकी है। तो अब आपको वॉइस के हिसाब से यहाँ पे स्टोरी को एडजस्ट करना है, लगाना है। तो फिर से मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं वीडियो को ले लेता हूँ। तो वीडियो आ चुकी है, तो फिर से इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद स्पीड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी इसके स्पीड को मैं कम कर लेता हूँ। इस तरह से आपको भी अपने स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा करना है, ठीक है। बैक आ जाता हूँ। फिर से आपको यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद पैन एंड जूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो वाटर मार्क आ रहा है इसको आपको छुपा देना है जूम करने के बाद और इसको लॉक कर देना, ठीक है, और बैक आ जाना है। इसी हिसाब से फिर से मैं मीडिया पे क्लिक करके तीसरी वीडियो को भी यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसके स्पीड को कम कर लेता हूँ और बैक आ जाता हूँ। अब आपको इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद पैन एंड जूम पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से जूम कर लेता हूँ कि वाटर मार्क छुप जाए। तो आप देख सकते हो। तो इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी सारी स्टोरी को यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो आपको भी अपनी स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे वीडियो को एडजस्ट करना है, लगाना है। तो अब मैंने अपनी स्टोरी के हिसाब से सारी वीडियो को एडजस्ट करके लगा दिया है। अब आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक म्यूजिक को ले लेना है। तो ये हॉरर म्यूजिक जो मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे और भी आप लोगों को बहुत सी चीजें फ्री में मिलेगी, तो इसलिए आप लोग जरूर से मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ से मैंने वीडियो को ले लिया है। अब आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रैक ऑडियो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस वीडियो से ऑडियो अलग हो जाएगी। अब आपको इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। और फिर से आपको इस म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद मिक्सर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसके वॉल्यूम को 30 पे या 20 पे आपको कर लेना है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देखना है कि वॉल्यूम कैसी है, कितना आवाज रखना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा सब कुछ हो चुका है। अब अगर आप लोग यहाँ पे चाहो तो आप लोग यहाँ पे अपनी वॉइस और भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और वीडियो को अच्छी क्वालिटी में सेव कर लेना, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो अगर आप लोग AI से लव स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हो तो आप लोग मेरी लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो और अगर आप विदाउट AI हॉरर स्टोरी को बनाना चाहते हो तो आप लोग राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।